मूछ के चक्कर में तुम अर्जुन का रोल छोड़ रहे हो मैंने कहा मैं मूछ नहीं काटू मुझे पता है मेरे फेस का बैलेंस कोई था किसी ने आपको कन्विंस करने की कोशिश की कि नहीं ले हाँ, लो ये बहुत गुफी पेंटल उस टाइम पे कास्टिंग डायरेक्टर थे वो रवि चोपड़ा जो मेरे दोस्त जो बी आर चोपड़ा साहब के बेटे उन्होंने सबने कहा लेकिन अब मैं चला गया आदाब नमस्कार बहुत बहुत इस्तबाल है आप सभी का और आज गुफ्तगू में मुलाकात एक ऐसी अजीम शख्सियत से जिन्होंने महाभारत सीरियल में कर्ण का आइकॉनिक किरदार निभाया और सड़क सोल्जर सनम बेफा जैसी सुपरहिट फिल्मों के साथ साथ चंद्रकांता द ग्रेट मराठा और बड़ो बहू में भी ये बेहतरीन अदाकारी करते नजर आए तो चलिए मुलाकात करते हैं एक्टर डायरेक्टर और राइटर पंकज धीर से पंकज धीर उन गिने चुने एक्टर्स में से एक है जिन्होंने अपनी बा कमाल अदाकारी से अपनी एक अलग पहचान कायम की किसी भी तरह का किरदार हो पंकज धीर उसमें बहुत आसानी से उतर जाते हैं यूँ तो पंकज धीर ने बॉलीवुड में एक्टिंग की शुरुआत साल उन्नीस में फिल्म पूनम से की थी लेकिन इन्हें कामयाबी और पहचान मिली टेलीविजन सीरियल महाभारत से जिसमें इन्होंने कर्ण के किरदार को इतनी शिद्दत से निभाया कि ये नाम न ना केवल उनकी पहचान बन गया बल्कि महारथी कर्ण की कल्पना भी कोई अगर करे तो पंकज धीर का ही चेहरा सामने आता है हिंदी के साथ साथ पंकज धीर कई दूसरी जुबानों में भी फिल्में कर चुके हैं साथ ही राइटिंग और डायरेक्शन में भी ये हाथ आजमा चुके हैं इसके अलावा पंकज धीर अपने एक्टिंग स्कूल एक्टिंग एकेडमी के जरिए नई नस्ल को एक्टिंग सिखाने का काम भी कर हैं। पंकज जी बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में थैंक यू भाई इस शो को सब जो देखते हैं सबको मेरा आदाब नमस्कार श्री अकाल जैसे महाभारत जो है उस उसका जो भी किरदार है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा किरदार है जो भी उसमें अभिनेता रहे वो बहुत बड़ा उन्होंने रोल किया और एक अजीम शख्सियत बन गए लोगों की नज़र में तो आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है जब आप कोई इस तरह का बड़ा सीरियल कर रहे होते हैं या कोई ऐसा बड़ा किरदार कर रहे होते हैं तो होना ये चाहिए कि आपको और ज़्यादा काम मिलना चाहिए लेकिन होता यह है कि आपको काम मिलना कम हो जाता है क्यों क्या वजह रहती है मैं बताता हूँ आपको इसका इतना इम्पैक्ट हुआ था कर्ण का लोगों के माइंड में कि उनको लगता था कि मुकुट और घोड़े के अलावा इसको काम नहीं आएगा इतना वो जम गया था उनके माइंड में उस चीज को तोड़ने के लिए बहुत मुश्किल हुआ क्या है हमारी इंडस्ट्री में एक प्रॉब्लम ये है कि वो ना एक ड़चाल है जिसमें अगर कोई किसी ने नेगेटिव रोल किया तो ये तो यार विलन ही है किसी ने हीरो का रोल किया ये तो हीरो ही है नहीं आर्टिस्ट कुछ भी कर सकता है मेरे साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये हुई कि आधे प्रोड्यूसर सोचते थे कि ये पॉजिटिव में बहुत बढ़िया है तो मुझे सनम बेवफा जैसी फिल्म मिल गई हाँ। कुछ लोगों ने सोचा नहीं ये विलन बहुत बढ़िया तो अक्षय कुमार के साथ पहली नौ फिल्में मैंने की एज विलन तो कहने का मतलब यह है कि वो खुद कंफ्यूज हो गए मुझको लेकर कि इसको हम कैसे कैटेगराइज करें दे? तो मैं विक्टिम बन गया उसमें। लेकिन मैंने बखूबी दोनों तरफ रोल किए तो आज जो मैं आपके सामने बैठा हूं तो तीन सौ चार सौ सीरियल के बाद करने के बाद बिल्कुल और कम से कम डेढ़ सौ करने के बाद बैठा हूं तो डेढ़ सौ फिल्में अगर मैंने की हैं और साढ़े तीन सौ चार सौ सीरियल अगर किए हैं तो इट इज इक्वल इन टू तो नाइन थाउजेंड फिल्म उतना एक्सपीरियंस है मुझको इतने सालों में जो तिरपन साल हो गए मुझे इस इंडस्ट्री में तो हुँ। आप सोचिए कि मेरा कितना एक्सपीरियंस इस है? मैं कभी घर पे नहीं बैठा मैं काम करता रहा हूँ तो ये एक कॉन्सेप्ट जो अब टूटा है जहां शाहरुख खान विलन भी है और हीरो हाँ, भी है हाँ. एक्सेप्टेंस हो गई वरना पहले शाहरुख खान हीरो ही थे हुँ. ये अब समझिए इन द लास्ट टू थ्री इयर्स और ये बहुत अच्छा हुआ खैर हम तो निकल जी आपकी, आपकी फिल्मों से मुझे याद आया आपकी एक फिल्म थी जिसमें आपको अमरीश पुरी से ज्यादा मेहनत आना मिला था। <laughs> वो कौन सी फिल्म थी वो उस फिल्म का नाम था बेखबर अच्छा उसमें मैं हीरो था यह आपको मैं बात सुना रहा हूँ तो अमरीश जी तभी स्ट्रगल कर, किया करते थे थिएटर किया करते थे मदन पुरी ब्रदर तो उसमें मैं हीरो था और मधु कपूर हीरोइन थी और भरत कपूर विलन थे और उसके सेकंड विलन अमरीशपुरी थे अच्छा तो उसमें जब पेमेंट स्केल की बात हुई तो अमरीश जी को मुझसे बहुत कम मिले पैसे क्योंकि मैं हीरो था तो ये बात हमेशा मिलते मुझको तो हमेशा कहते थे अच्छा कि मैं कभी भूलूंगा नहीं तूने मुझसे ज़्यादा पैसे लिए थे एक फिल्म में और मैं उनकी बहुत इज्जत करता था क्योंकि अकॉर्डिंग टू मी अमरीश जी बंडल ऑफ टैलेंट इतना बड़ा टैलेंट बहुत आ, 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 मुश्किल से मिलता है और जो वो काम करके गए हैं और जो उनका बॉडी ऑफ वर्क है बिल्कुल। उसको तो आप सल्यूट ही कर सकते हैं हम तो अल्टीमेटली उनको कहा करते थे कि सर अब आप, आप हटिए हमको चांस दीजिए नहीं तो हमको तो चांस मिलेगा ही नहीं ये वही वाली बात है कि एम एस धोनी विकेट कीपर है तो दुनिया के दूसरे विकेट कीपरों को चांस नहीं मिलेगा जब तक धोनी साहब है ऐसे ही अमरीश जी थे हुँ. अच्छा इसके अलावा एक्टिंग के अलावा आपको घुड़सवारी का भी बहुत शौक रहा है तो क्या अभी भी आप घुड़सवारी कर रहे हैं वो शौक अपना पूरा कर पाते हैं इतना वक्त आपको मिलता है घुड़सवारी का ऐसा था कि एक सीरीज बन रही थी चंगेज खां और चंगेज खां का मैं आपको सिर्फ थोड़ा सा बताना चाहता हूं कि उसमें विनोद खन्ना साहब डेनी डेन्जंग साहब और कबीर बेदी अच्छा। ये तीन नाम उस वक्त ऑडिशन में आए और हाँ। चौथा नाम मेरा था और ये बी आर चोपड़ा साहब ही बना रहे थे चारों के ऑडिशन हुए और मैं चुना गया ये तीनों के बीच अच्छा जबकि ये इतने बड़े नाम थे कबीर बेदी साहब सैंडोकान करके आए थे इटली से विनोद खन्ना साहब क्या पर्सनालिटी थी और डेनी तो देन तो थे आई तो चंगेज खान लेकिन मुझे लिया गया क्योंकि मेरा ऑडिशन माइंड ब्लोइंग था क्यों क्योंकि उससे बहुत पहले मैंने घुड़सवारी शुरू कर दी थी अच्छा और मैं बिना सैडल के घोड़ा चलाता था चलते घोड़े से नीचे उतर जाता था और चढ़ भी जाता था और साइड से भी रोल ले लेता था अच्छा और एक हाथ में तलवार एक हाथ में नेजा ऐसे दोनों तरफ से सिर्फ पैरों से घोड़ों का कंट्रोल करता था और दोनों से लड़ता था अच्छा तो जब लोगों ने देखा कि ये ये सब कर सकता है तो उन्होंने कहा यही चंगेज खान है तो वहां से मेरे घुड़सवारी का शौक शुरू हुआ अच्छा और फिर उसको कंटिन्यू किया मैंने काफी चंद्रकांता में भी बहुत घोड़े चलाए बाकी सीरीज में भी बहुत घोड़े चलाए खैर अब अब तो नहीं होता मुझसे नहीं वक्त भी नहीं मिलता और होता भी नहीं क्योंकि घोड़ा चलाने के लिए एक एज होती है आप कभी अब अब अगर मैं गिर गिरा गया तो मुश्किल हो जाएगी जब भी आपके पास खाली वक्त होता है तो क्या करते हैं क्या करना पसंद करते हैं फिल्में देखते हैं गाने सुनते हैं कुकिंग करते हैं क्या क्या पसंद आता है मुझे फिल्में तो सारी देखता हूँ यही नहीं कि हिंदी फिल्में साउथ की भी देखता हूँ यूरोप की भी फिल्में देखता हूँ अमेरिका की भी फिल्में देखता हूँ हर किस्म की फिल्म देखता हूँ मैं और बेसिकली मैं राइटर भी हूँ तो मैं लिखता बहुत हूँ मैंने कई कहानियाँ लिखी हैं कई फिल्में लिखी हैं तो मैं डेवलप करते रहता हूँ आइडियाज़ और मैं ये डिस्कस करते रहता हूँ ताकि आज की जेनरेशन वो कैसे रिएक्ट कर रही है और 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 आप समय के साथ चलेंगे तो यहाँ पे फ्रेश रहेंगे वरना पीछे रह जाएंगे तो राइटिंग करता हूँ खूब गाने सुनने का बहुत शौक़ है लेकिन पुराने गाने मुझे सब पुराने गाने हैं बहुत अच्छे लगते हैं आजकल के गाने आपको पसंद नहीं है ऐसा नहीं है उसमें भी ब्रिलियंस है लेकिन ये कहना चाहूंगा कि वो जो दौर था जैसे शंकर जयकिशन साहब थे, हाँ। थे या एस डी बर्मन साहब थे या नौशाद साहब थे इन ये जब गाने देते थे तो एक फिल्म में अगर आठ गाने तो आठ हिट सात गाने तो सात हिट आज क्या है कि फिल्म में एक हिट हो जाता है तो वो अपने को तुरम खान समझता है डिफरेंस बिटवीन ए मास्टर

पोइट्री है हुँ. कैफी साहब कैफी आजमी बहुत बड़े पोएट थे तो, तो ऐसे आई हैव बीन फॉलोइंग ऑल द पोइट्स गुनगुनाना चाहेंगे <laughs> हमारे यूनिवर्स के लिए मैं देखिए क्या होता है आ, शौक बहुत है गाने का हुँ. अंदर से ऐसे लगता है कि मैं गाऊं लेकिन जब मैं सामने चेहरा देखता हूं दूसरे का तो मैं समझ जाता हूं कि मैं कितना बेसुरा हूं है ना तो मैं कंसुरा नहीं बेसुरा हूं लेकिन शौक बहुत है गाने का तो सुनने का शौक है क्या कुछ हमें नया देखने के देखने के लिए मिलेगा चाहे आपकी एक्टिंग को लेकर के हो या डायरेक्शन को लेकर के हो अभी फिलहाल मैंने ये अगस्त में मेरा एक बहुत बहुत ही पॉपुलर सीरीज अजूनी स्टार भारत पे था अच्छा वो एक साल चल के अभी अगस्त में खत्म हुआ है तो एक महीने का गैप हुआ उसके बाद मैंने एक फिल्म साइन की है जिसका नाम है वेलकम थ्री अक्षय कुमार संजय दत्त के साथ बहुत ही बहुत ही खूबसूरत रोल में फिर एक फिल्म आ रही है जन्म स्थान अच्छा। उसमें सनी देओल और आ, और संजय दत्त हैं मैं मैं वो वो बहुत ही कमाल की फिल्म है है अब स्टार्ट होने जा रही है। फिर मैं एक सीरीज कर रहा हूँ रामायण अच्छा रामायण इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं महाभारत से जुड़ा था और वो प्रोड्यूसर चाहता कि मैं रामायण का भी हिस्सा बनू तो मैं जनक का रोल कर रहा हूँ अच्छा। वो अगले महीने से स्टार्ट होगी लेकिन बहुत बड़े पैमाने पर बन रहा है ये इट्स गोइंग टू बी फैंटास्टिक और ये जब क्या कहते हैं राम भूमि अपना राम मंदिर बनेगा जी। उस दिन ये रिलीज होगी अच्छा आ, तो ये कुछ बहुत बड़ा इट्स अ फाइनाइट शो मतलब कॉम्पैक्ट शो है तो वो एक करने जा रहा हूँ ओ टी है तो ऐसे आई एम बिजी गोल्डी मीट मटन मसाले पार पार जो आपके हाथ माले का मटन खाए झुंझो की बार आपका हो जाए। जाए मसाले। कार की जिंदगी में आ, हर तरह का एक्सपीरियंस होता है अच्छे एक्सपीरियंस भी होते हैं बुरे एक्सपीरियंस भी होते हैं तो अगर मैं आपका कोई आ, बहुत कड़वा एक्सपीरियंस पूछना चाहूँ जिंदगी का तो वो कौन सा होगा बहुत एक एक इंसिडेंट याद आता है जैसे आपने अभी कहा कड़वा वो किसी के साथ नहीं होना चाहिए लेकिन मेरे साथ हुआ था मैं बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ जब टेलीविजन आया नहीं था अच्छा हम जो एक्टर थे हम अपनी तस्वीरें लेके हर प्रोड्यूसर के ऑफिस में जाया करते थे खटखटाते थे कि साहब काम मिलेगा तो एक दिन ऐसे ही मुझे फोन आया उस जमाने में मोबाइल नहीं थे तो लैंडलाइन पे फोन आया कि साहब रैमसे ब्रदर्स के यहाँ से फोन है आप फिल्म बन रही है आप आइए वहां पर अच्छा तो मेरे घर से बहुत दूर था वो मुझे दो बस बदल के एक ट्रेन लेकर के फिर पैदल दो मील जाके तो उनका ऑफिस आता था तो मुझे कम से कम सवा घंटा से डेढ़ घंटा लगता था वहाँ पहुँचने के लिए और मैं मेरे बाल बहुत घने थे तो एक छोटी सी कंगी रखता था रास्ते में एक, एक क्या कहते हैं कुआं होता था वहाँ उनके ऑफिस के बाहर वहाँ एक नल लगा था उससे मुंह हाथ धो के कंगी करके फिर उनके ऑफिस में जाता अच्छा तो मैं जैसे ही अच्छा। उनके ऑफिस में अंदर गया तो वन ऑफ द राम सेज तुलसी राम सेजी वो फोन पे राजेश खन्ना साहब से बात कर रहे थे अच्छा तो मुझे देखते ही उन्होंने ऐसे रोक दिया तो ना मैं दरवाजे के अंदर ना मैं दरवाजे के बाहर बस एक अजीब सी पोजीशन पे मैं वहीं रुक गया अब ये बात करते जा रहे हैं हैं करते जा रहे मिनट 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 खड़े खड़े परेशान हो गया मतलब क्या है मिनट बाद उन्होंने फोन रखा और सीधा मुझे कहा क्या है कौन हो तुम मैंने कहा सर मुझे फोन आया आपके दफ्तर से मैं एक्टर बनना चाहता हूँ ये मेरी तस्वीरें हैं उन्होंने मेरे हाथ को यूं पकड़ा ऐसे करके बाहर फेंका मुझे मैं गिर गया बाहर

पानी से आंखें आंखें धोई फिर घर आया तो मेरी माँ ने पूछा क्या हुआ मैंने कहा बताऊंगा तरन्नुम ये जो किस्सा हुआ इसके बिल्कुल बाद मैं महाभारत में हिट हो गया क्या? तो एक दिन यही से का फोन आता है अच्छा कि पंकज जी मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ सर हाँ। मेरा एक सीरीज मैं बना रहा हूँ मैं चाहता हूँ आप लीड रोल करें उसमें फिर आपने क्या कहा मैंने कहा आइए घर पे आइए चाय पीजिए मेरे साथ हम डिस्कस करेंगे वो आए दो भाई थे तुलसी और शाम ये आए बैठे इन्होंने मुझे पूरा सुनाया कि जी टीवी कह रहा है कि पंकज धीर को ले आओ तो हम आपका ये पास कर देंगे अच्छा तो मैंने कहा जरूर जरूर करेंगे आपके साथ मेरी प्राइस आज की डेट में ये है, है? लेकिन मैं आपसे तीन गुना लूंगा कहने लगे सर हमसे क्यों तीन गुना लेंगे मैंने कहा सर एक बहुत साल पहले आपने एक था थी थी उन्हें याद नहीं थी उनको तो कर सकते हैं मैंने कहा सर जिसको धक्का लगता है ना उसको याद रहता है हाँ। आज के बाद किसी को धक्का नहीं मारना सर पता नहीं कौन कहा से कब क्या बन के आपके सामने आ जाएगा करूंगा सर और मैंने उनका सीरीज किया जी हॉरर शो था वो अच्छा और जिसका फर्स्ट एपिसोड अर्चना पूरन सिंह तब नई नई आई थी वो वो थी उसमें गुफ्ता अली तो वो सीरीज मैंने उसके लिए स्टार्ट की थी जिसकी वजह से इन्होंने बहुत पैसा कमाया अच्छा। जी हॉरर शो चार साल चला तो आई स्टिल रिपम्बा ये इतना कड़वा इंसिडेंट था जैसे मैं मतलब कभी भुलाया नहीं जा सकता इसलिए मैं कभी किसी को मिलता हूँ तो मैं यूं ही मिलता हूँ पता नहीं सब प्यार से आते हैं सब प्यार से किसी को धक्का देना किसी को गलत बात करनी है किसी को गाली देना इस नॉट करेक्ट बिल्कुल अच्छा इतने सारे एक्टर्स के साथ आपने काम किया और उस दौर के एक्टर्स से भी आप मिले इस दौर के एक्टर्स से भी मिल रहे हैं तो कोई ऐसा एक्टर जिससे उसके काम के अलावा भी पर्सनली आप बहुत ज़्यादा मुतासर होते हो देखिए ऐसा है कि पुराने लोगों में से दिलीप कुमार साहब से बड़ा तो कोई था ही नहीं और ना होगा वो एक स्कूल थे उन्हीं को सबने स्पीड दी चाहे राजेंद्र कुमार साहब हों चाहे मनोज कुमार साहब हो करते 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 राज बब्बर तक सब उन्हीं के स्कूल और उन्हीं के हाथ से निकले चाहे बच्चन साहब भी क्यों हो तो दिलीप कुमार साहब राइट ऑन टॉप आज की डेट में शाहरुख खान इज डूइंग फैंटेस्टिक वर्क लोग कहते हैं कि वो ऐसे ही करता है ऐसे नहीं करता है वो है। बहुत मतलब मैंने उसके साथ फिल्म की है तो मैं जानता हूँ कि वो कितना अंदर इंटेंसली घुसता है लेकिन इंसान अगर आप पूछें मतलब गोल्डन हार्टेड अगर कोई है तो वो सलमान खान उससे बड़ा दिल किसी का है नहीं और वो बच्चा है वो है। मतलब इतना कमाल का बच्चा है कि यू विल वॉन्ट टू लव हिम वो इतना इतना ब्यूटिफुल सोल uh, है जिसको कहते हैं ना आत्मा दैट इज सलमान खान ये दो तो मेरे बहुत नज़दीक हैं अक्षय भी बहुत नज़दीक है मेरे बहुत ही नज़दीक है क्योंकि उसकी जिंदगी की शुरुआत में मैं उसके साथ ही था हर फिल्म में अच्छा और जब मैंने फिल्म प्रोड्यूस की थी इक्के पेका का तो मुझे अभी भी याद है मैंने इसको एज ए हीरो लिया था तो इसकी पेमेंट थी सवा लाख रुपए सिर्फ सवा लाख रुपए लिए थे इसने मेरे से तो हमारी दोस्ती उतनी पुरानी दीज आर गुड बॉयज बहुत सारे किरदार आपने निभाए आपका पसंदीदा किरदार कौन सा आना बाकी है। मैं तो आज भी कहता हूँ आना बाकी है। किरदार आए उसको बखूबी मैंने हुँ। निभाया हुँ। चाहे वो कर्ण का रोल था चाहे शिवदत्त का रोल था चाहे एक आया था सीरियल युग उसमें मैंने अली खान का रोल किया था आज भी कश्मीर में मैं जाता हूं तो एयरपोर्ट से लोग शुरू हो जाते हैं कि हमारा अली खान आ गया अच्छा इतना प्यार करते हैं इतना पुराना शो और बहुत ही सक्सेसफुल शो उसमें हेमा मालिनी थी उसमें मीनाक्षी शिशादरी थी शाहबाज खान था मैं था बहुत बड़ा शो था वो तो ऐसे रोल्स तो बहुत अच्छे अच्छे किए लेकिन चैलेंज चैलेंज की जो दुकान है वो अभी भी खुली हुई है

ने आ, हमें सब कुछ बताया अपनी ज़िंदगी के बारे में कि आपका एक्टिंग करियर कैसे शुरू हुआ कितनी आपने किस तरह की फिल्म्स की कैसे सीरियल्स किए लेकिन आपने ये नहीं बताया कि आ, उस उस दौर में एक आजकल वो क्रेज़ जो हम लड़कियों में देखते हैं वो थोड़ा कम देखते हैं लेकिन वो जो दौर था उसमें स्टार्स को लेकर क्रेज़ बहुत होता था तो क्या कोई थी देखिए ऐसा है कि ये क्रेज़ क्यों हुआ है हाँ, कम ज़्यादा हाँ ये सोशल मीडिया की वजह से पहले ये होता था कि हीरो वाज ए मिस्ट्री कि वो ऐसे लगता था कि वो ड्रीम वर्ल्ड का कोई कोई आदमी है yeah. ये एक्शन कैसे करता है ये घोड़ा कैसे चलाता है ये ये फाइट कैसे करता है ये गाने कैसे गाता है ये गिरता कैसे सोशल मीडिया के आने के बाद सब चीजें ऐसे खुल गई अरे यार ये तो ये मैं भी कर सकता हूं हुँ. ये तो वो भी कर सकता है हुँ. तो सडनली जो ग्राफ था एक हुँ. वो गिरते 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 ऐसे आ गया कि जो हीरो वहां था वो हीरो आ गया तो अभी लड़कियां भी कहने लगी अरे ठीक है ना सो so मच आपकी जिंदगी में कोई ऐसा फैन आया <laughs> कोई लड़की <laughs> भाई कई फैंस आए हैं बहुत अच्छे अच्छे फैंस आए हैं बहुत खूबसूरत फैंस आए हैं बहुत अच्छे इंसिडेंट्स भी हुए हैं लेकिन क्या है यू शुड इट एंड मूव फॉरवर्ड ये एक uh, सपना है फैंस आर लाइक ए ड्रीम ये आपको अगर आप इनकी बातों में आ गए आप गिर भी सकते हैं तो क्या करना चाहिए कि किन उसको आप पीछे रखिए जब आपको पता है कि कोई अप्रिशिएट कर रहा है आपको कोई बहुत लाइक like कर रहा है uh, मुझे याद है एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट मैं नाम नहीं लूंगा वो हमारे दोस्त हैं वो तो एयरपोर्ट पे खड़ा था मैं अच्छा ये महाभारत के बाद की बात है तो ही मस्ट बी वर्थ वन लैख करोड़ इतना बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट वो तो उसको मैं जानता था तो हमने ऐसी बातें कर रहे थे इतने में एक लड़कियों का ग्रुप आया वो कॉलेज की लड़कियां थी वो कहीं जा रही होंगी उन उन वो आई उसको धक्का मारा और मेरे साथ फोटो खींचने लगी वो बेचारा धक्का खा के साइड पे हो गया और उन्होंने फोटो वोटो कहता है मेरे को वो तू जानता है तेरे को मैं एक चेक में खरीद सकता हूँ बिल्कुल सही एक चेक क्या करेगा ये जो अब हुआ है दिस इज प्राइसलेस ये पैसा भी नहीं खरीद सकता जो तेरे को ये मिला है सही बात है तो ये जो चीजें हैं अप्रिसिएशन लव ये सारी चीजें ये इंसान को गिरा भी सकते हैं बहुत जल्दी तो अगर आपके पैर आपको जमीन पे रखने हैं तो इसको हमेशा पीछे रखना चाहिए अंडरस्टैंड दी बट वर्क बेटर टू गेट मोर उसको आप यहाँ ले आएंगे तो आप गिर जाएंगे एक जो आर्टिस्ट होता है आ, बहुत बिजी लाइफ होती है शूट्स ज्यादा होते हैं घर पे कम वक्त दे पाते हैं तो आप अपने आ, कैसे लाइफ को बैलेंस करते हैं कि उतना टाइम घर पे परिवार वालों को भी दे पाए और शूट में भी उतना टाइम दे देखिए मेरी एक पॉलिसी है बहुत सिंपल पॉलिसी जिसको मैं आज तक अप्लाई करता आया हूं अपनी लाइफ में कि अपने काम को घर नहीं लेकर जाना और अपने घर को काम पे नहीं लेकर जाना यह डेफिनेटली दो अलग चीजें हैं जब मैं स्टूडियो जाता हूं तब मेरी फैमिली मेरे कोई नथिंग मेरा काम और जैसे ही मैं स्टूडियो से निकला तो काम वहां रह गए अब मेरी फैमिली तो कोई काम की बात नहीं होगी तो जब आपने ये डिफरेंस पैदा कर दिया कि 12 घंटे मेरे फैमिली के 12 घंटे काम के तो आप कभी नेवर फाइंड प्रॉब्लम आपकी एक पोती भी है, है कैसा वक्त गुजरता है साथ? बहुत खूबसूरत देखिए ऐसा है कि आई एम वेरी ब्लेस्ड कि बेटा मेरे साथ ही रहता है जब उसकी शादी हुई मैंने उसको पूछा था कि भाई तेरे को मेरे साथ रहना है कि आप, तेरे को अलग रहना है क्या है कहता नहीं डैड मैं अकेला हूँ मैं आप ही के साथ रहूंगा मुझे और कहीं नहीं जाना है तो बहुत सिंपल लड़का है वो उसके यहाँ जब लड़की हुई तो एंजल तो वो बहुत खूबसूरत मेरा वक्त गुजरता है आजकल उनके साथ एंड फैंटेस्टिंग अच्छा आपके बेटे निकितिन वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इंडस्ट्री में तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कुछ नहीं देखिए इधर काम बहुत लोगों को आता है हुँ. लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट होता है ये खुलना हुँ. मैं उसको यही कहता हूँ कि प्रे फॉर लक काम बहुत तगड़ा आता है उसको हुँ. और काम उसने किया भी बहुत तगड़ा है अब सिर्फ बिग ब्रेक की वेट है जो मुझे लगता है बहुत जल्द उसका आना है रोहित शेट्टी ने मुझसे कहा है कि वेरी बिग ब्रेक और वो शो आ रहा है उसका द इंडियन पुलिस के ऊपर जो है आई थिंक नवंबर में आ जाएगा वो बहुत बड़ा ब्रेक है उसका उसके साथ साथ तो, फिल्में तो कर ही रहा है बाकी ही इज गॉट अ पर्सनैलिटी कई लोग उससे बहुत इनसिक्योर फील करते हैं लेकिन है तो है इट्स ऑल अ मैटर ऑफ लक बिल्कुल बहुत मेहनती है बहुत सेंसियर है बहुत अच्छा ऐसा है कि मैंने उसको काम करना सिखा दिया है और मैंने उंगली का छोड़ दो अब वो दरिया जाओ गोता लगाओ पहुँच जाओ बिल्कुल अरे पंकज जी आपने रियल और रियल लाइफ दोनों में ही ऐसे किरदार निभाए कि उनकी छाप और भी गहरी होती जा रही है आप हमारे इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए अपनी ज़िंदगी के आ, कुछ पन्नों को आपने खोला और हमें बताया कि आपकी ज़िंदगी कैसी गुजरी कहाँ से शुरू हुई किस तरह के आपके एक्सपीरियंसेस रहे आपका हमारे इस प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू बहुत बहुत थैंक यू आप सबका तो नाजरीन आज के लिए बस इतना ही आपसे अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी किसी ऐसी ही नई शख्सियत के साथ फ़िलहाल हमें दीजिए इजाज़त आदाब